हर्षवर्धन बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्टेनो के एग्जाम को लेकर। देखिए इसकी आंसर की अपलोड कर दी गई है, जिन्होंने स्टेनो का पेपर दिया था उन्होंने अपनी आंसर की वगैरह मिला ली गई होंगी, लेकिन उनके कुछ नंबर कम भी हुए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि स्टेनो में कितने नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो आप स्टेनो की बेहतर तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेनो के लिए और ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। मार्च तक जो है इसका रिजल्ट फाइनली अपलोड कर दिया जाएगा, फरवरी लास्ट या मार्च की फर्स्ट वीक तक स्टेनो का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको स्टेनो के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, अप्रैल या मई में मान के चलिए कि आपको स्टेनो का बुला लिया जाएगा स्टेनो करने के लिए। तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप स्टेनो के लिए बिल्कुल सेफ है। देखिए बात कर ले पद की, तो 1200 पोस्ट जो है 1200 पद है स्टेनो के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पदों के मिला के, तो 5 गुना अगर कर लेते हैं तो कितना आता है 6000, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो सीट्स हैं उसका 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्टेनो करवाने के लिए। तो जनरल में अगर आपके 68 से 70 नंबर है तो भैया स्टेनो की तैयारी आप कंटिन्यू करिए, आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको स्टेनो के लिए बुलाया जाए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ओबीसी की बात करें तो 66 से 68, AWS की बात करें तो 63 से 65 नंबर, और अगर SC की बात करें तो 58 से 60, और ST की बात करें तो 48 से 50 के बीच में, फीमेल की अगर बात करें तो 65 से 67 के बीच में। देखिए फीमेल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई इसलिए रहेगा क्योंकि फीमेल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं स्टेनो की जॉब को लेकर, और काफी फॉर्म जो अप्लाई हुए थे लगभग 30,000 के आसपास फॉर्म लगभग बताए जा रहे हैं कि स्टेनो में पढ़े हैं, तो उसमें काफी मात्रा में जो है वो लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई करे, तो ये इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है और इतने नंबर के आसपास अगर वो बन रहे हैं तो प्लीज आप लोग जो है स्टेनो में लग जाइए, आपका सिलेक्शन बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के, तब तक के लिए।